जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वहीं चिर परिचित दोस्त आज एक और नई औषधि को लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही कारगर और लाभप्रद साबित होगी। जी हाँ, जायफल। आज की हमारी औषधि है दोस्तों जायफल। जायफल थकान और तनाव दूर करने के लिए भी जाना जाता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, बच्चे स्कूल में अधिक एकाग्र होकर इसकी सहायता से पढ़ाई कर पाते हैं दोस्तों। जायफल का 2 ग्राम चूर्ण प्लस 2 ग्राम मिश्री मिला रोजाना सुबह शाम फांकी मारने से शरीर पुष्ट बनता है। जिन पुरुषों के शरीर में शुक्राणुओं के बनने का सिलसिला कम हो जाए अथवा वीर्य पतला होने की शिकायत हो, उन्हें फार्मूले को आजमा कर देखना चाहिए। जायफल सेक्सुअल एक्टिविटीज को सकारात्मक तौर से बढ़ाता है। दर्द निवारक। जी हाँ, जायफल दर्द की पीड़ा को शांत करने में अग्रणी है। प्राचीन चीनी औषधियों में जायफल को सबसे ऊपर रखा गया है। जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द से छुटकारा पाने में ये बहुत ही कारगर साबित होता है। अपच की पीड़ा। जायफल अपच को दूर करता है। डायरिया, कब्ज, उबकाई आने की समस्या का निवारण जायफल से किया जा सकता है। मुंह की बदबू। जी हाँ, मुंह की बदबू को जायफल के पाउडर के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। लीवर और किडनी शुद्ध होगी जायफल से। जी हाँ, शरीर से विषैले पदार्थ हटते ही मरीज फिर पटरी पर लौट आता है। कई तरह के विषैले पदार्थ भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। दूषित जलवायु, तनाव, तंबाकू, शराबखोरी से भी जटिल विषैले पदार्थ शरीर में रह जाते हैं। इससे छुटकारा पाने में मदद करता है जायफल। इससे लीवर और किडनी दोनों की शुद्धि होती है। लीवर के रोगियों के लिए जायफल एक औषधि है, या यूं कहें औषधि के रूप में उपयोग होती है दोस्तों। किडनी स्टोन से भी जायफल छुटकारा दिला सकता है दोस्तों। कई बार त्वचा पर कुछ चोट के निशान रह जाते हैं, तो कई बार त्वचा पर नील और इसी तरह के घाव पड़ जाते हैं। जायफल में सरसों का तेल मिलाकर मालिश करने से आपके ये निशान गायब हो जाएंगे। जायफल का 2 ग्राम चूर्ण प्लस 2 ग्राम मिश्री मिला रोजाना सुबह शाम फांकी मारने से शरीर पुष्ट बनता है। जायफल के लेप के बजाय जायफल के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। दांत में दर्द होने पर जायफल का तेल रुई पर लगाकर दर्द वाले दांत या दाढ़ पर रखें, दर्द तुरंत ठीक हो जाता है दोस्तों। पेट में दर्द हो तो जायफल के तेल की 2-3 बूंदे एक बताशे में टपकाएं और खा लें, जल्द ही आराम आ जाएगा। जायफल को पानी में पकाकर उस पानी से गरारे करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं दोस्तों, तथा गले का सूजन भी गायब हो जाता है। जायफल को कच्चे दूध में घिसकर चेहरे पर सुबह और रात में लगाएं, मुहासे ठीक हो जाएंगे और चेहरे पर निखार आएगी। एक चुटकी जायफल पाउडर दूध में मिलाकर लेने से सर्दी का असर ठीक हो जाता है। इसे सर्दी में प्रयोग करने से सर्दी नहीं लगती है। सरसों का तेल और जायफल का तेल 4:1 की मात्रा में मिलाकर रख लें। इस तेल से दिन में 2-3 बार शरीर की मालिश करें, जोड़ों का दर्द, सूजन, मोच आदि गायब हो जाएगा। इसकी मालिश करने से शरीर में गर्मी आती है, चुस्ती फुर्ती आती है और पसीने के रूप में विकार बाहर निकल जाता है दोस्तों। प्रसव के बाद अगर कमर दर्द खत्म नहीं होता है तो आप जायफल के पानी में घिसकर कमर पे सुबह शाम लगाएं, 1 सप्ताह में ही दर्द गायब हो जाएगा। फटी एड़ियों के लिए इसे महीन पीसकर बिवाइयों में भर दीजिए, 12 से 15 दिनों में पैर की एड़ियां भर जाएंगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आज रहा हमारा जायफल का फायदा, यानी कि जायफल के लाभ। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नई औषधि लेकर के, एक और नया टॉपिक लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।